अगर आपको पता चले। नेता नगरी के इस सत्र में हम बात करेंगे झारखंड की। झारखंड की खबर ये है कि 30 जुलाई के दिन जब 3 से 4 बजे का समय हो रहा था, गोधूली बेला वगैरह जब आ गई थी, तो कोलकाता के पास हावड़ा में, झारखंड से थोड़ा दूर है लेकिन कोलकाता के पास हावड़ा में एक गाड़ी, फॉर्चुनर गाड़ी जिसके आगे लिखा था विधायक जामताड़ा, उसमें 3 लोग बैठे थे। ये तीनों कांग्रेस के 3 विधायक, झारखंड के 3 विधायक, जिसमें जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी, कोलेबीरा के विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी और खिजरी के विधायक राजेश कच्छप बैठे हुए थे और इनकी गाड़ी में थे 49 लाख रुपए। और इसके बाद झारखंड के इन 3 नेताओं के साथ जो हुआ वो हुआ, वो हमको पता ही है, लेकिन बहुत सारे पॉलिटिकल इक्वेशंस बनने लगे हैं, बहुत सारी बातें बनने लगी हैं। और इस बार फिर से महाराष्ट्र के बाद फिर से नाम गुवाहाटी का आ रहा है और फिर से नाम असम के CM हेमंत बिस्वा सरमा का आ रहा है। इन सारे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स में आज के नेतागिरी के इस सत्र में बात करेंगे और हमारे साथ 2 खास मेहमान हमसे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। पहले मेहमान है अभिषेक अंगद जी, जो इंडियन एक्सप्रेस के झारखंड करस्पॉन्डेंट हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है नेता नगरी में आपका। नमस्कार। और अभिषेक जी के साथ होंगे आनंद दत्ता, फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं, जहां रांची में रहते हैं और बहुत सारे आउटलेट्स के लिए लगातार अथक रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आनंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे जुड़ने के लिए, आप नेता नगरी में, स्वागत है सर आपका। थैंक यू सिद्धांत भाई। सर, कहानी शुरुआत से शुरू करते हैं। 3 विधायक हावड़ा में, विधायक की गाड़ी, विधायक का बोर्ड लगा गाड़ी लेकर दिखते हैं, पहुंचते हैं और गाड़ी में पैसे रखे हुए हैं, इतनी केयरलेसनेस कहां से है? मतलब पैसे लेकर चलना, विधायक का बोर्ड लगी गाड़ी में पैसे लेकर चलना और पकड़े जाना, क्या है कहानी, क्या है सर? मतलब ये जो निश्चिंत थे ना कि कुछ नहीं होगा, गाड़ी में पैसे लेके घूम रहे थे, उसके पीछे मेरी समझदारी से वो पावर है जिसके थ्रू, जिसके साथ वो कनेक्ट थे ऑलरेडी, कि ये सारा डील चूंकि बीजेपी के साथ हो रही थी, बीजेपी के एक बड़े टॉप लीडर जिनका नाम सामने आ रहा है असम के CM, उनके साथ कनेक्ट थे, इसलिए ये लोग शायद निश्चिंत थे कि कुछ होगा नहीं। और वैसे भी ये लगातार ये ट्रेवल कर रहे थे, लेकिन ये खुद ही भूल गए कि इन्होंने, मतलब इनको कहा गया था कि अपने साथ साथ कुछ और MLA को भी, बाकी MLA को भी आप कन्विंस करिए कि इस प्रोजेक्ट में, मतलब सो कॉल्ड ऑपरेशन लोटस जो है, उस प्रोजेक्ट में हमारा साथ दें और हमारे साथ आए। तो ये जो, मतलब 3 MLA थे, ये अपने साथ साथ कांग्रेस के बाकी MLA से भी संपर्क में थे। उसमें से एक MLA थे कांग्रेस के ही, अनूप सिंह, जिनको इन्होंने डिटेल बताया था कि हम लोग किस वक्त कहाँ हैं, कहाँ जा रहे हैं, कितने पैसे हमें मिले हैं और आगे क्या डील होने वाली है। तो ये वो भूल गए कि अनूप सिंह कभी गच्चा दे सकते हैं उनको, और यहाँ अनूप सिंह ने वही किया। ये बात मैं अपने मन से भी नहीं कह रहा हूँ, ये बात झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने खुद ही मेरे साथ जिक्र किया था जब मैं उनके साथ बातचीत कर रहा था कि क्या सर आपको इस बात की जानकारी थी कि ये MLA कहाँ है, तो ऐसे में आप पे क्यों ना आरोप लगाया जाए, आपने खुद ही अपनी पार्टी के MLA को पकड़वाया है। तो उन्होंने साफ कहा कि इस बात की मुझे जानकारी थी कि हमारे विधायक कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि इस बात की चर्चा काफी लंबे टाइम से चल रही थी। हम लगभग हर दिन, हर 2 से 3 घंटे पर अपने सभी MLA को लगातार फोन कर रहे थे पिछले 1 हफ्ते से कि कहाँ है, नहीं है। इस बात के वो लेकर कई MLA को समस्या भी थी कि आप हमें ट्रैप कर रहे हैं, आप हमारे पीछे लगे हुए हैं। तो इसी सिलसिले में ये जानकारी जो है उनके बारे में ये लीक हुई, और ये लीक, मतलब कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि लीक हुई है, लेकिन आप कड़ी देखेंगे तो सबसे पहले ये उनका जो बयान है, जो हावड़ा की ग्रामीण SP है, वो कहती है कि हमारे पास इनपुट था, इसके बाद हमने इन मोबाइल नंबर्स को, इन गाड़ियों को ट्रैप करना शुरू किया था। दूसरा बयान आया है अनूप सिंह का कि हमारे पास ये जानकारी थी कि इसमें से कांग्रेस MLA ने हमसे संपर्क, ये इरफान अंसारी ने हमसे संपर्क किया था और उन्होंने कहा था कि इस प्रोजेक्ट में हमारे साथ है। इसके बाद तीसरा बयान है राजेश ठाकुर का कि हाँ, हमें इसकी जानकारी थी। तो जाहिर है तीनों कड़ी एक साथ जुड़ रहे हैं और कांग्रेस ने खुद अपने MLA को पकड़वा के अपना जो अभी जो टूट हो सकती थी कांग्रेस में, उसको रोक लिया है फिलहाल। जी अभिषेक जी, कितनी सही है ये बात कि कांग्रेस ने महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र में सत्ता जाने का जो खुन्नस था, उसको झारखंड में अपने ही, झारखंड के अपने ही 3 विधायकों की मुखबिरी कोलकाता पुलिस से की
और छापा पड़ता है और पकड़े गए, और ये प्लानिंग जो है जिसके बारे में बार बार बीजेपी पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो महाराष्ट्र की तर्ज पे झारखंड में भी एक अनरेस्ट चाह रहे थे या चाह रहे हैं, मुझे नहीं पता, ये प्लानिंग अगर थी तो कितनी लंबी और कितनी बड़ी प्लानिंग है? अभिषेक जी, दो मैं पहले एक थोड़ा आंसर करना चाहूंगा केयरलेसनेस एंगल पे। जी सर। ये केयरलेसनेस क्यों? तो अगर आप कांग्रेस का हिस्ट्री देखेंगे पिछले 3-4 सालों में, तो यहाँ पर ऐसी प्रवृत्ति हो गई है यहाँ के जो भी कांग्रेस के एमएलए हैं या नेता हैं, अपने में थोड़ा आपस में यूनाइटेड नहीं है, वो यूनिटी नहीं है, सब आपस में एक अलग अलग नेता है, तो कोई कहीं कुछ कॉमेंट कर देता है, कोई कहीं कुछ कॉमेंट कर देता है। तो द आइडिया कि अब अगर इरफान अंसारी की बात करें तो वो काफी कंट्रोवर्सी में रहते हैं हमेशा। वो बोलते एक बार बोल दिए थे कि हम लोग ऐसा रोड बनाएंगे जो कंगना रनौत की चीख से भी स्मूथ होगा। सो ये सारी चीजें एंड द वे दे जिस तरह से वो गेटवे हो जाते हैं उससे, तो केयरलेसनेस वहां से आती है, और ना ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ना कोई उस पर बात बोलना, रोकना, कॉमेंट करना, तो इस तरह का सिलसिला बहुत चलते रहा। जो पुराने अजय कुमार, जो डॉक्टर अजय कुमार जो झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे, उन्होंने जब रिजाइन किया 2019 इलेक्शन के बाद में, तो उन्होंने बहुत ही एक कड़ा लेटर लिखा। उस लेटर में बोला कि यहाँ के जो भी नेता हैं वो सिर्फ अपने फायदे के लिए पॉलिटिकल पोस्ट चाहते हैं, किसी को पॉलिटिक्स में क्या, किसी को इसके लिए कुछ काम करना है नहीं। तो ये केयरलेसनेस जो है वो झारखंड के कांग्रेस में बहुत दिन से है। बहुत लोगों ने कोशिश करी है, आते हैं कि हाँ थोड़ा सा बेटर होगा माहौल और हम अच्छे से इसको थोड़ा हम यूनिटी और डिसिप्लिन लेके आ पाएंगे, लेकिन वो नहीं है, और सब अपने अपने एक नेता है अपने में यहाँ पे। तो आज के दिन में बोल देना कि हाँ भाई आप एक नेता है, आपके पास कितने एमएलए हैं, वो कह पाना यहाँ पे झारखंड कांग्रेस में बहुत मुश्किल है, क्योंकि वैसा कोई लीडर नहीं है यहाँ पे। तो अब यहीं से स्टार्ट होता है द वे कि हम जाएंगे और हमको कुछ होगा नहीं, अगर पकड़ भी लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये निश्चिंत हो जाना, वहां से केयरलेसनेस। और आप सही बोल रहे हैं कि एक एक एमएलए की गाड़ी में लेकर के करीब 50 लाख रुपए लेकर के चलना, आई मीन इट्स नॉट वेरी, ये बहुत कॉमन नहीं है इस तरह से आज के दिन में। तो केयरलेसनेस वहां से आती है। अब जो हम दूसरे क्वेश्चन पे जा रहे हैं कि कांग्रेस, क्या कांग्रेस ने इसको अवॉइड किया है सिचुएशन? जहां तक मेरी रीडिंग है और जहां तक मैं बात करता हूं, समझ में आता है, मुझे नहीं लगता ये कांग्रेस ने अवॉइड किया ये सिचुएशन। आई थिंक इट्स मेनली हेमंत सोरेन जिन्होंने ये सिचुएशन को अवॉइड किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्योंकि ये बहुत दिन से ये बातें चल रही थी यहाँ कांग्रेस में कि आज आपके कोई 6 विधायक इधर हैं, कभी कोई किसी से बात कर रहा है, हो सकता है इधर र्यूमर है कहीं और चले जाएंगे वो, 12 चाहिए विलय के लिए, अगर लेजिस्लेटिव पार्टी एमएलए को अगर विलय कराना है तो 12 लोगों का आपको एमएलए चाहिए। तो ये चीज, ये र्यूमर्स बहुत थे, लेकिन किसी को कुछ कोई हार्ड फैक्ट्स किसी के पास नहीं थे कि कौन है ये। जब मैं बात करता था लोगों से कि आपके कांग्रेस में बहुत अनरेस्ट चल रहा है, लोग बहुत परेशान हैं, तो वो लोग बोलते थे हाँ है, लेकिन जो कुछ एक लोग हैं जिनको कुछ पोस्ट नहीं मिल पाया है बीट कम सम निगम और बोर्ड का, तो वो लोग ऐसे लोग हैं जो लोग ये छोटी मोटी जो र्यूमर्स है उसको हवा दे रहे हैं, तो इससे ये होगा कि मतलब थोड़ा सा, लेकिन ये कोई इसमें सच्चाई नहीं है। तो यही बात है कि जब वो वेस्ट बंगाल पहुंच गए, क्योंकि 2 दिन पहले तो इरफान अंसारी ने जो एक पूरा लेजिस्लेटिव असेंबली में मतलब जितने भी एमएलए का मीटिंग था कोलिशन का, उसमें अटेंड भी किया था उन्होंने, तो किसी को कुछ हवा नहीं था इसमें। ये तो हेमंत सोरेन, जो मुझे समझ में आ रहा है कि ये काफी इसमें ना अपना निगरानी थोड़ा मेंटेन किए हुए थे, जो कि इन्होंने, और मेरे हिसाब से तो टिप ऑफ तो गया है झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से टू वेस्ट बंगाल कि ये। मेरा सवाल यही है सर कि कितना अवॉइड कर पाए हेमंत सोरेन? बीजेपी की प्लानिंग अगर बीजेपी ने किया है या नहीं किया है वो आरोप अपनी जगह है, लेकिन अगर हेमंत सोरेन अवॉइड करने की तैयारी में है तो हेमंत सोरेन खुद के दम पर कितना अवॉइड कर सके हैं, जबकि खुद पीएमएलए कोर्ट में उनके करीबी पंकज मिश्रा इस समय फंसे हुए हैं और उनके ऊपर भी केस है कि भाई उन्होंने अपनी खदानें लीज पर दे दी, तो इन सब केस में हेमंत सोरेन कितना अवॉइड कर पाए हैं सिचुएशन को? क्योंकि बीजेपी की प्लानिंग ये कहा जा रहा है कि लंबे समय से है,
और अभी कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जिसको शायद पीछे ना हटे, मतलब आप लोग ग्राउंड पे हैं, आप लोग थोड़ा बेहतर से समझा सकें इसको। तो इसमें ना बहुत मल्टीपल फैक्टर्स है। अगर आप ये देखें कि क्या बीजेपी ये चाह रही है कि सरकार बने, तो इसमें ना बहुत विद इन बीजेपी जो मैं बात करता हूं तो बहुत सारी व्यूज है। जो स्टेट में लीडर्स है बीजेपी का, उनका ये मानना है, जो कुछ लोगों से जो हमारे सोर्स हैं, उनका ये मानना है कि गवर्नमेंट जो है अभी सिर्फ बहुत ज्यादा डिस्क्रेडिट हो चुका है, जो अभी हेमंत सोरेन का गवर्नमेंट है, बिकॉज ऑफ द पीएमएलए या कोर्ट में जो भी केसेस है, और या तो माइनिंग के ऊपर जितने भी ईडी रेड्स हो रखे हैं, तो उसमें अभी एक साल और चार महीने और, तो उनको और 24 तो पूरा इलेक्शन में ही निकल जाएगा, लोकसभा और फिर राज्य में भी है। तो डेढ़ साल के लिए वो नहीं चाह रहे थे कि कोई ये अपने सर पे कलंक लेके एक सरकार को ओवरथ्रो करके उन्होंने एक गवर्नमेंट बना दिया, बट दैट इज स्टेट बीजेपी जिनका ये मानना था। फिर थोड़ा सा ये हो रहा था कि कंफ्यूजन हो रहा था कि इसमें कि सेंटर से कुछ और थी, स्टेट में कुछ, बट ये सब खाली रूमर्स है, कुछ हार्ड फैक्ट्स की कुछ समझ में, लेकिन स्टेट बीजेपी तो ये श्योर था कि दे डिड नॉट, मतलब वो नहीं चाहते थे कि वो अभी सरकार को मतलब गिराए, क्योंकि किसी को कुछ हवा नहीं था इसके बारे में भी क्या हो रहा है, नंबर वन। नंबर टू, जहां तक हेमंत सोरेन की बात है, अभी हेमंत सोरेन इट्स जस्ट आप समझिए कि अगर इसको हम कंपेयर करें एनालॉजी में, तो अभी सिर्फ कोविड का एक वैक्सीन मिला है, अभी दूसरा वैक्सीन लेना है, फिर अभी बूस्टर लेना है, बहुत सारे अभी ये हैं। तो टेम्पोरेली लोगों के सामने ये मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने एक एक एक, एक स्फीयर ऑफ डाउट जो है वो अपने से कि आप कैसा काम कर रहे हैं, थोड़ा नैरेटिव को थोड़ा पुश करने में वो सक्सेसफुल रहे हैं टूवर्ड्स द ऑपोजिशन स्टेट में जो बीजेपी है। हालांकि बीजेपी ने कंप्लीटली डिनाई किया है कि इसमें इनका कोई रोल नहीं है, लेकिन चूंकि जिस तरह से फैक्ट सामने आ रहा है कि वो आसाम में भी पुलिस जो है वो जा रही थी इन्वेस्टिगेशन करने, या दिल्ली में जा रही थी, और टेक्निकल ग्राउंड्स पे उनको मतलब कि मना किया गया मतलब ज्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं करने के लिए, तो कहीं ना कहीं सामने आ रहा है कुछ फ्रिक्शन है उधर। तो हेमंत सोरेन अभी के लिए एज ऑफ नाउ तो ही हैज मतलब कि एबल टू लोगों को ये बताने में, देखो बीजेपी जो है वो बार बार कोशिश कर रहा, और ये देखो हमने जो है ये कर लिया। अब इसमें एक्चुअली फैक्ट्स क्या है वो तो बाद में समझ में आएगा। और आगे अगर यहां तक बात रहा कि देखिए अभी एक और पर्सन की अरेस्टिंग हुई है, वो है जो कि पीआईएल क्या है, राजीव डॉक्टर राज सॉरी नॉट डॉक्टर राजीव कुमार। तो राजीव कुमार जी ने तो उनके अगेंस्ट में पहले भी एक एफिडेविट फाइल हुआ है, जो उनका पिटिशनर था राजीव कुमार का, और वो ये था कि ये जो शिवशंकर शर्मा जो पिटिशनर है वो एक मतलब मैलाफाइड इंटेंशन के साथ ये पीआईएल कर रहे हैं, और राजीव कुमार ने भी एक इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन फाइल किया था ये बोल करके कि हमको धमकी मिल रहा है कि इस केस को परसू नहीं करने के लिए। अब देखिए अच्छा। अब नंबर टू हो गया, हाँ अब उन्होंने एक फाइल किया था तो कोर्ट उसमें देख रही है अभी, तो अब ये देखना है कि अब राजीव कुमार भी जाते हैं वहां पर और उनकी भी अरेस्टिंग हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोर्ट में जो तीन मेन केस चल रहे हैं हेमंत सोरेन के, जिसमें दो हेमंत सोरेन मतलब इन्वॉल्व है, मतलब एज अ पार्टी, शेल कंपनीज वाला और आपका माइनिंग लीज वाला, तो उसको तो कोर्ट भी मतलब हियर कर सकती है, उसको जरूरी नहीं कि राजीव कुमार रहे। लेकिन कहीं ना कहीं वो फ्रिक्शन, वो डाउट्स कि क्या राजीव कुमार एक लेजिटिमेट लॉयर है, जब ऐसे एलिजिड मतलब कि फैक्ट्स आ रहे हैं कि उनके सामने में एलिगेशंस लग रहा है कि वो सपोजेडली मतलब एलिजिडली एक्सट्रॉशन कर रहे थे कोई एक पिटिशनर केस में, तो फैक्ट्स तो बाद में पता चलेगा, लेकिन ऐसा एक इंप्रेशन क्रिएट किया जा रहा है। तो इसमें अभी कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन को मतलब अभी मतलब टेम्पोरेली ही इज मतलब आउट ऑफ द वुड्स इन टर्म्स ऑफ, हाँ टेम्पोरेली ही इज आउट ऑफ द वुड्स, यस। तो क्या आनंद जी, मैं आपके पास आता हूं और इस पर जिस पे ये कह रहे हैं अभिषेक जी कि हेमंत सोरेन अब खतरे से बाहर हैं, लेकिन बीजेपी सॉरी कांग्रेस ये मानने को तैयार नहीं है, कांग्रेस के अपने आरोप हैं, सत्ता के व्याकरण में आरोप लगते रहते हैं, कांग्रेस ये मानने को तैयार नहीं है,
पंकज मिश्रा जिनका मैंने अभी नाम लिया, पंकज मिश्रा पे एक तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप इस स्थापना से कितना सहमत हैं कि हेमंत सोरेन इज आउट ऑफ द वुड्स येट और उन्होंने क्राइसिस को अवर्ट कर दिया है, और दूसरा पंकज मिश्रा जिनके पर पीएमएलए कोर्ट में केस चल रहा है, तमाम आरोप हैं उनकी और हेमंत सोरेन की करीबी, बार बार ये खबरों में चल रहा है कि हेमंत सोरेन के करीबी पंकज मिश्रा, हेमंत सोरेन के करीबी पंकज मिश्रा, कहानी क्या है सर उसकी? मैं ये कह रहा हूँ कि हेमंत सोरेन वो इंसान है जो सीएम रहते उन्होंने बहुत बचकानी गलती की थी कि खुद जिस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर थे उसी डिपार्टमेंट के तहत यानी कि कोल मिनिस्ट्री, और उन्होंने अपने नाम पे पट्टा ले लिया। अब यह है कि ऐसी छोटी गलती करने वाला सीएम अचानक से इतने स्मार्ट डिसीजन कैसे लेने लगा, तो इसके पीछे छोटी सी कहानी है जो मतलब चल रही है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब बीजेपी ने कांग्रेस के नेताओं से संपर्क किया तो प्लान ये बना कि कांग्रेस के 12 से 13 एमएलए तोड़े जाएंगे और उनको कहा गया कि आप अपने बीच एक नेता चुन लीजिए जो सीएम भी हो सकते हैं और या फिर डिप्टी सीएम भी हो सकते हैं। अच्छा। हम बाद में तय कर लेंगे, करेक्ट। इस बीच बाबूलाल जब पीएम मोदी देवघर दौरे पे आए थे उसके अगले दिन बाबूलाल मरांडी और दीपक प्रकाश जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको अचानक से आनन फानन में दिल्ली बुलाया जाता है, लेकिन जब वो दिल्ली गए उसके एक आध घंटे के बाद ही बीजेपी के नेताओं ने यहाँ ट्वीट कर दिया कि आज कुछ बड़ा होने वाला है और ये इन्फॉर्मेशन लीक हो गई। उसके बाद जो उस दिन का प्लान था मेरी जानकारी मुताबिक उसको रोक दिया गया। फिर लेकिन जो जानकारी आई वो ये कि बाबूलाल मरांडी से कहा गया कि आप कांग्रेस का वो गुट जो टूटने के लिए तैयार है और टूट कर एक नई पार्टी बनाएगा उसके अंदर अपनी एक्सेप्टेंसी तैयार कीजिए कि आपके नाम पर बतौर सीएम वो तैयार हो जाए, और अगर नहीं तैयार होते हैं तो उनके जो लीडर बनते हैं उनको एज ए सीएम हमें देखना होगा। तो चर्चा ये भी है कि राज्य के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं रामेश्वर उरांव वो लीड करने के लिए तैयार हुए कि मैं इसको लीड करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मामला काफी कुछ आगे बढ़ गया था लेकिन अचानक से फिर यही इरफान अंसारी एक आध और एमएलए ने कहा कि नहीं वो लंबे टाइम तक बड़े पदों पर रहे हैं तो किसी दूसरे को मौका दिया जाए, तो इसमें आके बात यहाँ पर गड़बड़ा गई। इस बीच फिर दूसरा ऑप्शन ये आया कि बंधु तिर्की जिनकी विधायकी हाल ही में गई है, उनकी बेटी उपचुनाव में इलेक्शन में जीती अभी, तो बंधु तिर्की को अप्रोच किया जाए, और बंधु तिर्की से बातचीत भी हुई, उनसे कहा गया कि आपके जो चुनाव आयोग में मामले हैं जो आप आने वाले टाइम इलेक्शन लड़ सकेंगे ऐसी कुछ व्यवस्था की जाएगी तो आप आइए और लीड करिए। बंधु तिर्की ने कहा कि आप गलत दीवार फांग रहे हैं, दोबारा अगर इस दीवार में आइए फांदिएगा तो आपको और दिक्कत हो जाएगी। और इस बातचीत के थोड़ी ही देर बाद बंधु तिर्की चले जाते हैं सीएम हेमंत सोरेन के पास और पूरे मामले की जानकारी देते हैं, और इसके बाद ये प्लानिंग होती है। अब एक और चीज इसमें यह है कि ये प्लानिंग क्या अकेले हेमंत सोरेन कर रहे थे, तो मैं नाम नहीं लूंगा, एक व्यक्ति है जो मधु कोड़ा के टाइम में मधु कोड़ा के काफी करीबी हुआ करते थे, अचानक से वो व्यक्ति हेमंत सोरेन के साथ उनकी नजदीकी काफी बढ़ी है। तो ये जो बैक टू बैक आप देख रहे हैं कि एमएलए का अरेस्टिंग होना, उनके खिलाफ पीआईएल करने वाले लॉयर्स का अरेस्टिंग होना, इसके बाद जब हेमंत सोरेन के जो ये साथी थे तो जो पॉलिटिकल एडवाइजर है इन सबके ऊपर ईडी की पकड़ का बढ़ना, ये सारी प्लानिंग एक वो आदमी है जो किसी टाइम में मधुपुरा के साथ जुड़े हुए थे उनके थ्रू भी ये प्लानिंग आ रही है, काफी इनपुट उनके तरफ से भी दिया जा रहा है। अब ये दूसरा सवाल आपका ये था कि भाई पंकज मिश्रा के बारे में कि पंकज मिश्रा से कितना ये कितने करीबी हैं और कैसे ये करीबी बने, शायद अगर मैं गलत नहीं तो प्लीज सवाल करेक्ट कर दीजिएगा। हाँ हाँ यही सवाल है। तो पिछले विधानसभा चुनाव में जो हेमंत सोरेन दुमका से इलेक्शन हार गए थे, मतलब पिछले के पिछले जो विधानसभा चुनाव था उस वक्त हेमंत सोरेन दुमका से हार गए थे, तो जब पिछला विधानसभा में ये प्लान चल रहा था कि हेमंत सोरेन कहां से लड़े तो तय हुआ कि दो सीट से लड़ेंगे, एक दुमका से तो लड़ेंगे ही क्योंकि इज्जत वाली बातचीत है, एक और सेफ सीट खोजा जाए कि जहां से जीत तय हो। तो पंकज मिश्रा चूंकि बहुत लंबे टाइम से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, उस वक्त उनके पास कोई पद वगैरह कुछ भी नहीं था, वो सामान्य कार्यकर्ता थे और जिले में पद था उनके पास, तो पंकज मिश्रा ने कहा कि आप हमारे इलाके आइए और हाँ बरहेट हम वहां से आपको जितवाएंगे इसकी गारंटी हम देते हैं। किस बात का यकीन था ये मुझे नहीं पता, कुछ इक्वेशन जिसको देखते हुए हेमंत सोरेन ने डिसीजन लिया, वो वहां गए चुनाव लड़े और वो जीत गए। इसी के बाद उनके मतलब पंकज मिश्रा के पॉलिटिकल कद में लगातार इजाफा। मेरे पास जब ये सीएम बने उसके बाद मेरे पास कई मतलब कि मैं रिपोर्टर हूँ फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूँ तो आप खुल के लिख सकते हैं, कई ऐसे फोन आए कि पंकज मिश्रा वहाँ के व्यापारियों को जो पत्थर के कारोबारी हैं जो पेट्रोल पंप चलाते हैं बाकायदा किसी खेत में या छोटे मैदान में तब राउंड चेयर जो होता है मतलब गोल में इस टाइप बिठा देते हैं
और कहते हैं कि जो वसूले इस हफ्ते का वो आप जमा करिए। कई लोगों का ये था कि आप इस खबर को छापिए और इसको मतलब सीएम तक पहुंचाइए इस बात को और इसको रुकवाइए। खैर वो प्रूफ के अभाव में वो खबर मैं नहीं कर पाया। तो ये हुआ, अब इस बीच में जब ये अरेस्ट होते हैं तो ईडी इनसे पूछताछ करती है। ईडी का पूछताछ में ये पता चलता है कि भाई इनसे पूछा जाता है कि भाई आप ये बताइए कि आपके परिवार में आपका कोई बच्चा नहीं है, फिर आपका कोई वारिस नहीं है, मतलब फिर आप ये इतना मतलब क्यों किसके लिए कर रहे थे, इतनी वसूली और ये सब किसके लिए कर रहे थे। तो उनका साहब कह रहा था कि आप कुछ भी करिए, हम साहब का नाम नहीं लेंगे, चाहे हम जेल में सड़के मर जाए या कुछ भी हो। हाँ, पंकज मिश्रा को इस बात का तकलीफ जरूर हुआ वो गिरफ्तारी के बाद, कि जब पूछताछ के लिए बुलाया गया और शाम को अरेस्ट किया गया, जब ये जेल भेजे जा रहे थे, तब ये जेल के गेट पर ईडी के अधिकारियों से या फिर जो भी उनके साथ उनसे कहा कि एक फोन मैं कर सकता हूँ क्या। तो ईडी वाले ने पूछा कि किसको करना है, तो पंकज मिश्रा ने कहा कि मैं पिंटू को फोन करूंगा। पिंटू उनका ये जो अभिषेक प्रसाद है सीएम के पॉलिटिकल एडवाइजर, उनका नाम है। तो उन्होंने कहा ठीक है कर लीजिए। तो वो जिस गाड़ी में जा रहे थे उसके ड्राइवर के मोबाइल से, किसके मोबाइल से मुझे इतना याद नहीं, वो फोन किया गया। 12 से 13 बार फोन किया गया, वो फोन उठा नहीं। और उस वक्त उनसे मिलने के लिए केवल पंकज मिश्रा का एक भाई है, जो पंकज मिश्रा का कहना था कि ये बेवड़ा है और हमेशा मतलब नशे में ही रहता है, केवल वही मिलने के लिए आया। पार्टी की तरफ से एक वकील तक का इंतजाम मेरे लिए नहीं किया गया है। तो पंकज मिश्रा पूछताछ के दौरान इस पॉइंट पर इमोशनली टूटे हैं। ये कुछ कुछ वैसे ही घटना है जैसे पश्चिम बंगाल से निकल के आ रही थी कि पार्थ चटर्जी जब अरेस्ट हो रहे थे तो उन्होंने 4-5 बार फोन किया और दूसरी तरफ से उन्हें जवाब दिया गया कि अभी मैडम नहीं है, बाद में बात नहीं हो पाएंगी, बाद में बात हो पाएगी, अभी मैडम है नहीं। उन्होंने 4 से 5 बार फोन किया, इस तरह से हुआ। मेरा अब एक सवाल छोटा सा ये है कि अब जब यहाँ पे इतनी बात हो रही है तो झारखंड में हेमंत सोरेन कितना ग्रिप कर पाए, कितना नहीं ग्रिप कर पाए, इन सबसे अलग झारखंड में इतना अनरेस्ट कैसा दिख रहा है। सरकार का कार्यकाल पूरा होने को है, विधानसभा की अवधि जो है वो खत्म होने को है, कुछ मतलब 1.5 साल में खत्म हो जाएगी अवधि, इतना अनरेस्ट किस बात का दिख रहा है? आनंद जी आप बताएं, फिर मैं अभिषेक जी के पास जाता हूं। मैं बहुत पहले किसी सीनियर जर्नलिस्ट से बातचीत कर रहा था जब मैं नया नया झारखंड आया था, 2013 की बातचीत है। तो मैंने उस वक्त उनसे पूछा था कि सर क्या वजह है कि झारखंड में इतने ज्यादा मतलब पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होती है। तो उन्होंने कहा कि देखो ये एक मतलब खनन वाला स्टेट है, उसमें भी काफी ज्यादा है। अगर यहाँ एक स्टेबल गवर्नमेंट आती है तो इंडस्ट्री के लिए ये बहुत अच्छी बातचीत नहीं होती है कि कई सारे लीगल और इलीगल काम चल रहे होते हैं एक साथ। तो लीगल काम तो स्टेबल गवर्नमेंट में होता है, बहुत आराम से हो जाता है और ठीक है, इट्स ओके। लेकिन जो इलीगल सारे जो काम है मतलब माइनिंग के सेक्टर में खासकर, उस पर काफी इम्पैक्ट पड़ता है अगर स्टेबल गवर्नमेंट आती है। एक बड़ी वजह यह है कि झारखंड में स्टेबल गवर्नमेंट नहीं रहने दिया जाता है, और दूसरा कारण यह है कि पॉलिटिकली ये सेंटर में दखलंदाजी इसकी बहुत कम है, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की संख्या 14 है यहाँ पर, तो वो हनक नहीं है मतलब, और ना ही अभी तक कोई ऐसे लीडर हुए। सिबू सोरेन को छोड़ दीजिए, सिबू सोरेन को भी मतलब उस वक्त जब सत्ता इधर उधर हो रही थी तो कुछ टाइम के लिए हनक थी कांग्रेस के साथ, लेकिन वो पॉलिटिकली हनक जो होना चाहिए वो यहाँ के किसी भी लीडर का अभी तक तो नहीं हुआ है। ये मौका था हेमंत सोरेन के लिए कि अपने आप को इस मतलब इस टर्म में देश भर में एक अपने आप को एक पॉलिटिकल आदिवासियों के एक नेता के तौर पर खुद को एस्टैब्लिश कर सकते थे। लेकिन देखा मतलब देखने में ये आया कि जिस वक्त जेएमएम सत्ता के करीब मतलब नहीं थी उस वक्त इसका विस्तार कई राज्यों में था, लेकिन जैसे जैसे सत्ता के ऊपर चढ़ती गई इसका विस्तार और कम होता गया और ये झारखंड तक में सिमट के रहे। तो पॉलिटिकल हनक इसकी नहीं है जिस वजह से इसको इम्पोर्टेंस कम मिलता है और यहाँ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रहती है। जी अभिषेक जी आप कुछ इस विषय पर कहना चाह रहे थे, मतलब मुझे इस बारे में जब मैं देख रहा था और ये भी बातचीत होती है कि कांग्रेस के विधायकों को मंत्रिपद नहीं दिया गया, शायद इस वजह से भी अनरेस्ट हो सकता है, कि ये कहा जाता था कि भाई आपको महत्वपूर्ण मंत्रालय कुछ साल बीतने के बाद दिए जाएंगे, शायद ये भी एक अनरेस्ट की वजह हो सकती है। एक ऐसा अनरेस्ट आपको छत्तीसगढ़ में छिटपुट दिखाई देता है जहाँ पे भूपेश बघेल और टी एस सिंह देव के बीच में एक संघर्ष की खबरें आती रहती हैं। आपकी क्या रीडिंग है अभिषेक जी इस पूरे प्रकरण को लेकर? देखिए जो कोलिशन गवर्नमेंट है अभी जेएमएम कांग्रेस आरजेडी, आरजेडी में एक विधायक है और वो मंत्री भी बने हुए हैं। अब बचे यहाँ पे कांग्रेस के
कुछ जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं और एमएलए हैं और जेएमएम के, तो जेएमएम के विदिन जेएमएम थोड़े बहुत एक दो नेता हैं जो कि बोल लेते हैं, लेकिन कुछ लार्जली कोई अनरेस्ट मतलब खुल के सामने कभी नहीं आती है। लेकिन ये जो कांग्रेस है, तो जो इनस्टेबिलिटी की हमेशा बात होती है, तो हमेशा खासकर अभी कुछ दो तीन सालों से इट्स ओनली कांग्रेस जिसके अराउंड ये सराउंड होता है। ए कांग्रेस को तीन चार चीजें जो प्रॉब्लम हो रहा है, अभी हाल में उन्होंने लास्ट ईयर एक अर्ली दिस ईयर और लास्ट ईयर उन्होंने एक अर्ली दिस ईयर उन्होंने एक चिंतन शिविर किया था। कांग्रेस के दो एमएलए तीन एमएलए ने खुलकर बोला था कि हेमंत सोरेन जो है जेएमएम वो हमारा वोट ले रहे हैं, मतलब कि जो भी कांग्रेस के वोटर्स है एग्जिस्टिंग वो फिसल रहे हैं टुवर्ड्स हेमंत सोरेन गवर्नमेंट। रीजन बीइंग दैट कि जो भी कुछ अगर अच्छा करते हैं, कुछ अच्छी पॉलिसी को डालते हैं, तो उसमें हेमंत सोरेन का नाम होता है। लेकिन अगर कहीं करप्शन जो है पॉपुलेट कर गया है ग्राउंड लेवल पे, तो उसमें कांग्रेस और जेएमएम का भी ना, कांग्रेस को भी ज्यादा हानि होती है उसमें। तो एक तो वो, फिर आपके राज्यसभा के सीट को लेकर के जो विद इन द कांग्रेस थोड़ी सी क्राइसिस चल रही थी। लेकिन कांग्रेस का तो प्रॉब्लम बहुत डीप है ना, यहाँ पे आप किसी भी एमएलए से अगर आप बात करेंगे, किसी भी छोटे नेता से या ग्राउंड के किसी वर्कर से बात करेंगे, उसका बस एक ही और एक ही, और अभी जो एग्जिस्टिंग जो प्रॉब्लम कांग्रेस को है जिसके वजह से ये सारा चीज हो रहा है, एट द एंड इट्स नॉट मनी। अगर आप इरफान अंसारी का बैंक शीट देखेंगे और तो उनके उनके बैंक डिपॉजिट 1.5 करोड़ रुपए है जी, कंपेयर टू अदर मतलब एमएलए। तो इन सब नेताओं के लिए हमेशा पैसा इज नॉट द इशू, इन सब नेताओं के लिए इशू है कि क्या उनका फ्यूचर क्या है, क्या वो कांग्रेस के टिकट पे अभी लड़ पाएंगे और जीत पाएंगे उस पे। तो विद इन द कांग्रेस जो है उनको बहुत ज्यादा मतलब कि ये एक दुविधा में है लोग, जो कि सीनियर पार्टी लीडर से हमेशा शेयर करते रहते हैं कि हम लोग सर अब हमको लगता नहीं कि हम लोग जीत पाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी हो गया है। तो इस एक ये जिसके वजह से बहुत ज्यादा मतलब विद इन द कांग्रेस लग रहा है कि हम कोई ऐसे पार्टी के साथ एसोसिएट हो जाते हैं जिसके लिए हमको हम जीत सकें जिससे, क्योंकि आज के डेट में कांग्रेस को दो क्वेश्चन बहुत ज्यादा खटकती है कि भाई मेरा नेता कौन है, क्योंकि जिस तरह से कैंपेनिंग चला था यूपी में, तो क्या राहुल गांधी हमारे नेता है, क्या प्रियंका गांधी है, कौन है, किसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। नंबर टू, मेरा पॉलिटिकल फ्यूचर क्या है, नैरेटिव क्या है मेरा। तो अगर जो अगर आप मैक्रो प्रॉब्लम देखेंगे तो ये मैक्रो प्रॉब्लम है, माइक्रो प्रॉब्लम में क्या है कि जो लोग बन गए कैबिनेट मिनिस्टर वो लोग बन गए, अब उसके बाद जो कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के वर्कर्स हैं ब्लॉक लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो बहुत सारे बोर्ड और निगम्स में पोजीशंस खाली हैं, तो उसमें उन लोगों को लगता है कि क्या कांग्रेस को के वर्कर्स को या एमएलए को कुछ पोजीशन मिल सकता है क्या। तो ये सारे चीजों को मिला करके विद इन कांग्रेस अनरेस्ट होता है, जिसके वजह से कोलिशन में अनरेस्ट बहुत ज्यादा है जी, इस मेनली और मेनली कांग्रेस जिसके वजह से मेनली कांग्रेस की वजह से ज्यादा है आप कह रहे हैं। चलिए जी, तो सबके अपने अपने आरोप हैं, सबकी अपनी अपनी कहानियां। कांग्रेस और झामुमो कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार गिराना चाहती है, बीजेपी कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है। इसके बीच में आदिवासियों की वजह से, आदिवासी वोट की वजह से या जिस भी वजह से हेमंत सोरेन एक और अनरेस्ट लेकर आते हैं, जब राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देते हैं, कांग्रेस के भी कुछ विधायक डिफ्लेक्ट होकर उधर जाते हैं, जबकि यशवंत सिन्हा जो विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे वो खुद हजारीबाग से सांसद रहे थे, अब उनके बेटे वहां से सांसद हैं जो बीजेपी में है।